The vectors A and B are not perpendicular, and C and D are two vectors satisfying B cross C is equal to B cross D, and A dot D is equal to 0, then the vectors D is equal to. तो अगर हम देखेंगे, हमें पता है कि B vector cross C vector is equal to है B vector cross D vector. अगर ऐसा है, तो इन दो, अगर इस vector के साथ में, मैं A vector का cross product कर दूं, इधर भी अगर मैं A vector का cross product कर दूं, तो क्या कोई change आएगा? नहीं, because vector same है, और same vector से हम cross product कर रहे हैं. तो अब क्या हो जाएगा यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वैल्यू क्या जाएगी यहां से ये आएगा b वेक्टर टाइम्स a वेक्टर डॉट c वेक्टर और फिर आएगा माइनस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर टाइम्स c वेक्टर अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास में क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट से तो यहां से आएगा a वेक्टर डॉट d वेक्टर फिर आ जाएगा मेरे पास में क्या टाइम्स b वेक्टर और आएगा माइनस में क्या आएगा अगर मैं देखूंगा तो आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर टाइम्स d वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर टाइम्स d वेक्टर अब अगर मैं देखूंगा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि a वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म तो क्या हो गई हमारे पास में इक्वल टू 0 अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा d वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज c वेक्टर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस में फिर आ जाएगा a वेक्टर डॉट c वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन c वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट c अपॉन a वेक्टर डॉट b टाइम्स b वेक्टर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन c